हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखिए, अभी जस्ट उठा हुआ हूँ मैं और बिस्तर भी बिखरा पड़ा हुआ है। आज मौसम बहुत सुहाना है, सुहाना मतलब बादल बादल है, तो टाइम का कुछ पता नहीं चला, मैं खुद लेट उठा हूँ। तो ये ब्रेड रखी, अभी नाश्ता कर लेंगे। और बाइक यहीं पर खड़ी हुई है, इसको अभी बाहर करना है और खिड़की ओपन कर लेते हैं। खिड़की ओपन है दोनों, तो चलिए ठीक है, बाइक फट से बाहर करते हैं और फिर लिखाई कर लेते हैं, थोड़ी सी राइटिंग वर्क के, क्योंकि सुबह का टाइम मैं राइटिंग वर्क को ही देता हूँ 1 घंटे। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। और कुछ भाई का कमेंट आया था कि सर आप लाइन से भटक रहे हो, तो हाँ भाई, थोड़ा सा मैं लाइन से भटक गया था, एक थोड़ा सा मैटर हो गया था अपना पर्सनल वाला, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन अब ठीक है, कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और अच्छे आएंगे। मैं अपने आप को ज़्यादा दिखाऊंगा और लोगों को कम दिखाऊंगा, ये डिमांड थी अभी से एक भाई की। तो भाई ठीक है, आपकी डिमांड में ही काम करेंगे हम। तो मौसम देखिए बाहर, मैं तो आज अच्छा भी दिख रहा हूँ, बाल लेकिन बड़े हुए तो जम नहीं रहे, बाल कटवाना पड़ेगा। और मौसम देखिए, ये देखिए, हमने यहाँ पे घुइया लगाए हुए थे, लग गई है, और एक दो हल्दी के भी पेड़ लगाए थे, हल्दी के कंद लगाए थे, पेड़ नहीं सॉरी। और ये सामने जो पौधा हमने लगाए थे वो एक और है। और यह मौसम बादल बादल वाला, सामने काका लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, मैं नहीं जानता उनको, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। तो चलिए बाइक बाहर कर लेते हैं, मौसम तो आज बहुत धांसू है। तो अभी हमारे पास कैमरा मैन नहीं है, तो बहुत दिक्कत जाती है मोबाइल पकड़ने की। तो बाइक रख दी है, अभी जगह भी खाली हो गई है। चेयर मैंने यहीं पर खरीदा था आके, दोनों 500 रुपए की दो। सब सामान खरीदना होता है, रहते रहते आप लोग आईडिया आ जाता है कि क्या क्या सामान की जरूरत है। तो ये रूम में तो बहुत अंधेरा है, चलिए यहाँ का कुछ काम भी नहीं है। लाइट बचाओ, बिजली बचाओ, सीधी सी बात है। और देखिए मेरे शूज, ये वाले ऑफिस के हैं और ये वाले फील्ड के हैं। तो दो शूज है मेरे पास और मैं एक और ऑर्डर करूंगा, क्योंकि जो थे वो खराब हो गए। और बाकी एक दो जूतियां हैं, तो जूते बहुत सारे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग स्टार्टिंग में ही ले लें, लेकिन कम से कम दो तीन तीन जोड़ी, कम से कम 3-4 जोड़ी होना चाहिए चेंज करके पहनने के लिए, क्योंकि एक ही चीज में बोर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा वो जो आपको भूरे कलर का दिखाया था मैंने, देखिए, तो ये देखिए, ये जो भूरे कलर का है, ये वाला जूता अगर आप लोग लेते हैं तो इसमें एक फॉल्ट आता है। इसमें एक फॉल्ट ये आता है कि ये झुक जाता है, चल चल के पीछे से हो या सामने से हो, यानी टेढ़ा हो ही जाता है। तो ये वाला लखानी का है, तो ये वाला बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये झुक जाता है तो मज़ा नहीं आता। और ये ऊपर रेड चीफ के हैं, ये बहुत प्यारे हैं, ये ऑफिशियल है ऑफिस जाने के लिए, और ये फील्ड में घूमने के लिए। लेकिन इसमें एक दूसरा ब्रांड आता है, वो लीजिए, थोड़ा अच्छी क्वालिटी टाइप का। ये भी क्वालिटी अच्छी है, मैंने ये 2500 रुपये के लिया था, इसे मैंने 3-4 साल हो गए, ये जल्दी पुराना भी नहीं होता और कई साल चल जाता है। लेकिन इसमें ये कमी है कि ये तिरछा हो जाता है, देखिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये देखिए, इसका ये जो पीछे वाला भाग है ये इतना बड़ा हो गया है चल चल के, ये नहीं होना चाहिए, ये घटिया क्वालिटी में आता है। क्वालिटी है सही, जूते में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी को उसमें थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। पीछे में उसे हार्ड रहना चाहिए जैसा हम चलते हैं ज्यादा, क्योंकि 4-5 किलोमीटर एक दिन में चलेंगे तो जूता भी कितनी दम मारेगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे हार्ड होना चाहिए ताकि वो मुड़े ना चलते टाइम। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, शूज, और जो भी रहेगा मैं आपको कंटिन्यू करता रहूंगा। अब ठंडी में, ठंडी की बात आ रही है तो ठंडी में भी कुछ एडवाइस देता रहूंगा। ये लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सिर्फ देख के निकल जाते हो आप लोग। जल्दी से 1K कंप्लीट करना है, आगे और भी काम है। ये हमारा बैग,
तो इसी में हमारी पूरी रामायण रखी हुई है। रामायण मतलब कागज पत्थर, गलत मत समझिएगा। तो दोस्तों हमारा राइटिंग वर्क चालू हो चुका है, ये काम निपटा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत देर से हम लोग लिखाई कर रहे थे तो भूख लग गई है, अब चाय ब्रेड खा लेते हैं। ये चाय और ये ब्रेड, यहाँ ब्राउन ब्रेड नहीं मिलती इसलिए नॉर्मल वाली, मुझे ब्राउन ब्रेड ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों राइटिंग वर्क चालू है, कार्बन की भी ज़रूरत पड़ती है, कोरे पेपर A4 साइज वाले, तो उसका पूरा रिम लेके रखा हूँ मैंने काम करने के लिए। तो पानी का मौसम तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हो रही है और मुझे लिखना बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं अभी थोड़ा काम और निपटा लेते हैं। लगभग अभी 10 बजा है, सुबह 7 बजे से बैठा हूँ मैं लिखने के लिए, तो थोड़ी देर में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी देर तो नहीं, फिर भी 1-2 बज जाएगा मुझे, तो देखते हैं। कंटिन्यू मैं आपको रेगुलर जानकारी देता रहूँगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगता तो कमेंट करिए यार, मुझे भी तो पता चले आप लोग वीडियो मेरे देखते हो, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे वीडियो भी अभी भी भाई लोग देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी हमें कहीं जाना है, अर्जेंट में कॉल आया हुआ था तो वो जाके अटेंड कर लेते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का काम है तो वो भी निपटाना ज़रूरी है, जो काम आए वो तुरंत निपटाते चलो, काम पेंडिंग मत करो, यही बस विभाग में चाहिए सबको। तो मैं शूज़ पहन रहा हूँ, आज मैं रेड वाले शूज़ पहन रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से पहना नहीं हूँ, 2-3 दिनों से, तो आज मुझे ये पहनने का मन है। कभी ये कभी वो, जो जो जब जैसी इच्छा हो वैसे शूज़ पहनना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि 3-4 जोड़ी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूरा दिन भी शूज़ में रहना पड़ता है। चलिए फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर। तो चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिस्तर दिन भर लगा रह जाता है, हम लोग उठा नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं रहता। तो चलिए ठीक है, मैं आके वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों हम लोग सर के आए हुए थे, सर दूसरे मोबाइल लेने की तलाश में हैं, देखते हैं 1-2 दिन में वो ऑर्डर कर देंगे। कौन सा करते हैं, आईफोन लेने वाले हैं शायद, अब देखो क्या होता है, ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, मोबाइल बेच रहे हैं किसी को। तो चलिए अब थोड़ी देर से रूम चलते हैं, भूख लग गई, नाश्ता करेंगे और शाम में भंडारे में जाना है, इनविटेशन बहुत आया 5-6 जगह से, दुर्गा जी का उत्सव चल रहा है तो भंडारे अटेंड करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने चने ला लिया हूँ बाजू की दुकान से ही, अब चने खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी रूम पहुंचा था, बहुत देर से हम लोग जंगल के काम में व्यस्त थे तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। आज हल्की सी बारिश भी हुई थी, क्योंकि पर्सनल काम थे इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया था, अगर ऐसे ही होता तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। हालांकि हम लोग जंगल में ही गए थे, कुछ विशेष काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ और अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और ये देखिए मैंने ट्रैक सूट निकाल लिया हूँ क्योंकि हल्की हल्की ठंडी भी पड़ती है। तो अभी ड्रेस चेंज करते हैं और खाना खाते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।